जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएचआई होश में आओ, होश इस तरह का रास्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये हम लोग एक फोर लेन बन रहा है गोरखपुर बनारस के बीच में, अभी ताजेपुर बगल में एक मझुआ गांव है, वहाँ के पासवे के लिए और अंडरब्रिज की मांग को लेकर हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह प्रदर्शन हम लगातार 5-6 महीने से लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन हम लोग की बातों को लेकर गंभीर नहीं लग रहा है। एनएचआई से भी हम लोग ने इस संबंध में वार्ता किया, लेकिन एनएचआई के अधिकारी भी इस मामले को लेकर हीलावाली कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग कोई भी गाँव के चाहे आंदोलनकारी एनएचआई के विरोध में नहीं है कि कोई फोर लेन बने या न बने, लेकिन अगर किसी का विकास करना चाहते हैं तो किसी के विकास को रोक के आप विकास नहीं कर सकते। और मझुआ राजभर बस्ती का एकमात्र रास्ता है खड़ंजा, जिसको बंद किया जा रहा है। और अगर अब उन लोगों को मऊ आना है तो उनको 5-6 किलोमीटर बंदे भी जाना पड़ेगा और पूरा राउंड घूमते हुए उनको वापस आना पड़ेगा, जबकि सारा इंतजाम उनका बच्चों के स्कूल से लेकर अस्पताल से लेकर रोजी रोजगार सारा इस साइड मऊ के हिस्से में है। और इनको काट तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे आने जाने का भी रास्ता उस फोर लेन के नीचे से हमारे लिए अंडरब्रिज बनाया जाए पासवे, बस इतना ही है। इतना ही हमारी मांग है, सरकार नहीं मान रही है, उसको हिलावाली कर रहे हैं। और हमको लग रहा है कि प्राइवेट एजेंसियों को ठेका दिया गया है और प्राइवेट एजेंसी ठेकेदारी में किस तरह काम करती है आप समझ रहे हैं। जेपी एक बड़ा ग्रुप है उत्तर प्रदेश का, जो काम लिया हुआ है और उसको मनमाने ढंग से कर रहा है और जनता की सुविधाओं का गौर नहीं कर रहा।